हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ढोकला सैंडविच। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ढोकला सैंडविच बनाना। सैंडविच ढोकला बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी लिया है, इसमें मैं डाल लेती हूँ। एक कटोरी दही लिया है, इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे गाढ़ा पेस्ट बना लेती हूँ। इस तरह से और थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ कि ताकि सूजी सूजी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और फूले। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ कि ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए हमने लहसुन लिया है, लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं है, और थोड़ी सी नमक। मैं थोड़ी सी मैं पानी ऐड कर लेती हूँ, फिर चटनी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमने चटनी तैयार कर लिया। देख लेते हैं सूजी फूली है कि नहीं। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है। मैं इसे 2 मिनट के लिए और फेंट लेती हूँ। 2 मिनट हो गया। इसमें थोड़ी सी मैं तेल ऐड कर लेती हूँ ताकि हमारी ढोकला अच्छी तरह से स्पंजी और सॉफ्ट बने, और थोड़ा सा नमक। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 3 हिस्से में डिवाइड कर लेती हूँ। हमने एक बॉल लिया है, इसे मैं डाल लेती हूँ इसमें। एक दूसरे एक और बॉल ले लेती हूँ। मैंने सूजी को 3 हिस्से में कर लिया है। एक हिस्से में मैं चटनी मिक्स कर लेती हूँ, जो हमने चटनी बना के रखा था। आप अपने मुताबिक ले लीजिए। मैं 2 चम्मच डाली हूँ, वैसे ज्यादा तीखा नहीं है ये। इसे अच्छी तरह से आप मिक्स करिए। ये देखिए ढोकले बनाने के लिए हमने एक भगोना लिया है। आप अगर आपके पास में एक टिन हो आप उसे यूज कर सकती हैं, नहीं तो स्टील का डब्बे भी यूज कर सकती हैं। मैं इसे हाथ से प्रेस कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें तेल डाला है। हमने इडली का कुकर लिया है, अगर आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकती है। इस तरह से हमने एक जाली लिया है स्टील का। 1 से 2 ग्लास इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा सैंडविच ढोकला बनके तैयार हो जाए अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से पक जाए। हमने 2 ग्लास पानी डाल लिया। इसमें भगोना डाल रही हूं मैं। ढोकले के बैटर में मैं प्लेन इनो ले रही हूँ, 1 छोटी चम्मच। आप इसे थोड़ी सी पानी डालकर इसे घोल बनना है इस तरह से, और ज्यादा आपको फेंटना नहीं है, बस 1 से 2 बार ऐसे हिलाना है। और हमारा कुकर गर्म हो गया है, मैं इसमें ढोकले का बैटर डाल रही हूँ।
से मैं 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ कि अच्छी तरह से पक जाए। देखिए ढोकला हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं चटनी वाले ढोकले इसके ऊपर डालूंगी। इसमें भी मैं एक छोटी चम्मच इनो डाल लेती हूँ, थोड़ी सी पानी इसके ऊपर। ऐसे भी मैं मिक्स कर देती हूँ। हमें ज्यादा इसे फेंटना नहीं है, ये तो फूलेगा नहीं। अभी ढोकले के ऊपर मैं डाल लेती हूँ। इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। ढोकले को देख लेती हूँ कि हुआ है कि नहीं। ये देखिए बहुत अच्छा से पक गया है। और मैं जो बचा हुआ बैटर था व्हाइट, उसमें भी एक छोटी चम्मच इनो डाल लेती हूँ। इसमें सेम प्रोसेस करके हम थोड़ी सी पानी डाल लेंगे, इसे भी चम्मच से हिला के इसका भी बैटर में सैंडविच ढोकले में डाल के 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए देख लेते हैं ढोकला हमारा बन के तैयार हुआ कि नहीं। ये देखिए हमने इस तरह से एक पीन लिया है। अभी थोड़ी सी कच्ची है क्योंकि चिपक रहा है इसमें। मैं 2 मिनट के लिए और ढक देती हूँ ताकि ये क्लीन निकले। दो मिनट हो गया है, मैं देख लेती हूँ। ये देखिए मेरे को क्लीन निकला है, यानी सैंडविच ढोकला हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। सैंडविच ढोकला ठंडा हो गया है, मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इसे इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे हमारे ढोकले बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं तड़का लगा देती हूँ। तड़का लगाने के लिए हमने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। इसमें मैं तिल डाल रही हूँ, सफेद तिल और काली राई। तड़का हमारा तैयार हो गया है, मैं सैंडविच ढोकले के ऊपर डाल लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। हमने तड़का लगा दिया है, अब इसे कट करके दिखा रही हूँ मैं।